मैं गुरु की कृपा मुझ पर है, इसका उदाहरण देने के लिए मुझ पर किस तरह समझा जाए कि मैंने पूर्णत्व प्राप्त किया है, इसका उदाहरण क्या है? तो परमपूज्य सद्गुरुदेव जी ने वह कहानी सुनाई थी जिसे हम इस संसार में बहुत कम जगह देखते हैं। एक बार एक महाराजा थे जिनका नाम था ताम्रध्वज। वो राजा केवल शिव की पूजा ही करते थे, केवल शिव की पूजा करते थे और विष्णु आदि ब्रह्मा किसी को मानते नहीं थे। हुआ ये कि उनके बाद उसी राज्य में और एक भक्त हुआ जो लक्ष्मी माता की पूजा करता था, विष्णु भगवान की भी पूजा करता था। लेकिन जब इस राजा को पता चला कि वो पूजा करने वो लक्ष्मी और विष्णु की पूजा करता है, तो उसने कहा कि मैं लक्ष्मी और विष्णु की पूजा नहीं करूंगा, मैं केवल शिव की पूजा ही करता हूं। बात यहां तक बढ़ गई कि लक्ष्मी और विष्णु की पूजा करने वाले और ये शिव की पूजा करने वाले, इन दोनों में श्रेष्ठता की बात आ गई। और जो लक्ष्मी और विष्णु की पूजा कर रहा था, उन्होंने उस पूजा को एकदम हटा दिया, निकाल के फेंक दिया। जब ये बात वहाँ के ऋषि को पता चला कि उसने लक्ष्मी और विष्णु की पूजा को हटा दिया है, तो उस ऋषि ने उस ताम्रध्वज राजा को श्राप दे दिया, श्राप दे दिया और कहा कि तू इसको हटा दिया है, तू दरिद्र हो जाएगा और 7 जन्मों तक तू दरिद्रता का अनुभव करेगा। ऐसा श्राप दे दिया। ऐसा श्राप देने पर वो जो ताम्रध्वज राजा था कि मैं अकारण शापित हुआ, वो दर दर भटकने लगा, गरीब हो गया, दरिद्र हो गया। तो यह बात जब शिव गणों के साथ शिव जी को पता चली कि ताम्रध्वज जो शिव की पूजा निष्ठा के साथ करता था, वो दरिद्र होकर घूम रहा है, तो शिव जी आए और उस ऋषि के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे भक्त को क्यों श्राप दे दिया? तो उसने कहा कि उसने लक्ष्मी और विष्णु की पूजा हटा दी थी, इसलिए मैं श्राप दे दिया। तुझे उसे श्राप देने का अधिकार क्या है? शिवजी त्रिशूल लेकर उसके पीछे भागते हुए गए कि उसे खत्म कर दूंगा। और ऋषि भागते भागते वैकुंठ चला गया भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास जाकर कहने लगा कि प्रभु, मैंने ऐसा हुआ, शिवजी मेरे पीछे त्रिशूल लेकर पड़े हुए हैं। तो तब विष्णु भगवान ने कहा, तुम शांत हो जाओ, मैं शांत होने की प्रक्रिया तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। शिव जी आए तो विष्णु भगवान ने शिव जी की स्तुति की और नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, शांत हो जाइए। उसने कहा कि मेरे भक्त को यह श्राप देने वाला कौन होता है? तब विष्णु ने कहा कि उससे गलती हो गई, आप उसे क्षमा करो। इस प्रकार जब उन्होंने इस बात को कहा और शिव जी शांत हो गए, तो उस श्राप को लेते हुए कहा कि इसको कहो कि एक पेड़ से आलिंगन कर ले। और उसने एक पेड़ से आलिंगन कर लिया और विष्णु ने कहा कि यह श्राप उस पेड़ को चले गया और उसकी रक्षा विष्णु ने उस श्राप से उस श्राप किया। और कहा, मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, गुरुजी ने इस उदाहरण क्यों दिया था कि जब तुम कोई साधना करो, पूर्णत्व उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए गुरुजी झगड़ने के लिए आए कि ये मेरा शिष्य है, इसके ऊपर तुम क्यों अधिकार जमाते हो, उसे पूर्णत्वता कहा गया। वो चाहे देवताओं के साथ हो या किसी राक्षस किसी के साथ हो, तुम्हें कुछ चोट थोड़ी भी लगी तो उस चोट को संभालने के लिए तुम्हारे लिए गुरु जिस दिन भाग कर आ जाए और गुरु कहे कि ये मेरा शिष्य है, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं, वो पूर्णत्वता है। यही बात कहां हुई थी? सत्य हरिश्चंद्र को जब विश्वामित्र ने यह कहते हुए कहा था कि विश्वामित्र ने परीक्षा दी, सत्य हरिश्चंद्र वशिष्ठ उनके गुरु थे और विश्वामित्र उनके माने हुए गुरु थे। वशिष्ठ को वशिष्ठ ने कहा कि मेरा शिष्य हरिश्चंद्र सत्य बात करता है, सत्यता से रहता है। तो विश्वामित्र को लगा कि हाँ, ये सत्यता से बात करता है, इसकी परीक्षा ली जाए, क्योंकि दोनों विश्वामित्र वशिष्ठ में पड़ती नहीं थी। विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा कितनी श्रेष्ठता से ली, आप सभी लोग जानते हैं। उनको दर दर भटकाया, उनको ऐसी परीक्षा ली कि आखिर में उनको श्मशान में एक श्मशान का रखवाला बनाकर छोड़ दिया और उनके पुत्र को श्मशान में मर गया, तो उसको जलाने के लिए उनके माँ के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि तेरा मंगलसूत्र दे दे, तभी इस पुत्र को यहाँ जलाने के लिए दूंगा। इतनी महान परीक्षा ली।
सत्य हरिश्चंद्र उस परीक्षा में आंखों में आंसू लाकर रो रहे थे कि उनका ही पुत्र मरा हुआ पड़ा हुआ था और उतनी उनके पत्नी के गले का मंगलसूत्र। केवल यह उस समय यह था कि अपने पति अपना पति ही भार्या के मंगलसूत्र को देख सकता था, दूसरा नहीं। तब उसे पता चला कि हरिश्चंद्र के पत्नी जी को यह पता चला कि ये मेरे ही पति है जिसने मेरे मंगलसूत्र को पहचाना, और उन्होंने उसकी दयनीय स्थिति देखी तो उनके आंखों में भी आंसू आए और कहा विश्वा। सत्य हरिश्चंद्र ने भी कहा और उनके पत्नी ने भी कहा, राहुल उनके पत्नी ने कहा कि हम इसी तरह मर जाएंगे, हम इस तरह मर जाएंगे कि लेकिन ये क्या इतनी दरिद्र स्थिति है। और वो जब रोने लगे तो उतने में देवता सारे देवता प्रत्यक्ष हुए और ये बात वशिष्ठ को पता चली कि विश्वामित्र ने इस तरह किया है, विश्वामित्र ने इनको श्राप दे दिया, इनको इतना कष्ट पहुंचाया है। तो सारे देवता सत्य हरिश्चंद्र को जब सबको आशीर्वाद देने लगे और सबने देखा तो विश्वामित्र को वशिष्ठ ने कहा कि तुम मेरे शिष्य का मेरे शिष्य की इतनी कठिन परीक्षा लेते हो सत्य हरिश्चंद्र की, और उन दोनों कम से कम 1000 वर्ष तक झगड़ते रहे केवल इसलिए कि सत्य हरिश्चंद्र मेरा शिष्य है और तुम इसको शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। इसे पूर्णता कहते हैं। जो गुरु के लिए जो शिष्य अपने शिष्य के लिए गुरु प्राप्त हो, गुरु झगड़े चाहे वो ग्रहों से हो, चाहे वो देवताओं से हो, चाहे राक्षसों से हो, उसे पूर्णत्वता कहा गया है। उस पूर्णत्वता की प्राप्ति के लिए जो शिष्य अपने में उस स्थिति को प्राप्त करता है, अपने को ये कहता है कि तुम्हारी दरिद्रता हो, तुम्हारे कष्ट हो, तुम्हारी कोई कठिनाइयां हो, तुम्हारी शत्रु हो, उसके लिए तुम अगर निष्ठावान अपने गुरु के साथ समर्पित हो, अपने गुरु के साथ झुके हुए हो, गुरु के साथ तुम्हारा पूर्ण समर्पण है, तो वो गुरु का कर्तव्य बनता है कि वह शिष्य मेरा है और इसके ऊपर किसी ग्रह किसी दुष्ट ग्रह किसी शत्रु उसका अधिकार इसके ऊपर ना हो। और जिस दिन यह होता है वो शिष्य पूर्ण कहलाया जाता है। क्या हमारे जीवन में ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम आज का जीवन ऐसा नहीं जीते, हम भी पूर्णत्वता का जीवन जीते हैं। जब गुरु कहे कि तू मेरा है और तेरे जीवन के हर क्षण को मैं देखूंगा, और वह गुरु है मेरे दृष्टि में वही गुरु है जो अपने शिष्य पर निर्भर होकर नहीं जीता, शिष्य के पैसों पर निर्भर होकर नहीं जीता, अपने शिष्य को हर क्षण सहायता करने वाला, अपने शिष्य के हर कठिनाइयों में खड़े रहने वाला। ये नहीं कहता कि गुरु है तो शिष्य को कठिनाई नहीं आएगी या उसको नहीं आएगी। कृष्ण के रहते हुए भी पांडवों को वनवास भोगना पड़ा लेकिन उस वनवास में भी वे संतुष्ट थे। रामचंद्र जी को भी वशिष्ठ के रहते हुए वनवास भोगना पड़ा, वो श्रेष्ठ थे। माता सीता को भी गर्भवती स्त्री होकर वन में रहना पड़ा लेकिन वाल्मीकि उनके साथ थे। यह जो क्रिया है, तुम कहीं भी जाओ तुम्हारे गुरु किसी न किसी रूप में तुम्हें सहायता करें, तुम्हारे साथ रहे, उसे पूर्णत्वता कहते हैं। और उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? आज हम इस शिष्य पूर्णिमा के दिन, इस गुरु पूर्णिमा के दिन हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हमें वो पूर्णता है? हमारे उस पूर्णता को प्राप्त करने की शक्ति है? इसके लिए हमें क्या करना है? जब तक गुरु हमारे साथ हमें ये न कहे कि तू मेरा है, तब तक हम ये कष्ट भोगते ही रहेंगे। कष्ट भोगते रहेंगे और कष्ट भोगते हुए हम ये बात करेंगे कि अब मेरी शक्ति नहीं है प्रभु, या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा नहीं तो मैं दुखों के रोता रहूंगा। ऐसा नहीं, गुरु उस समय खड़े रहकर कहे कि तुझे वैसा करने की शक्ति नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जिस दिन ये बात हुई उस दिन की श्रेष्ठता उस श्रेष्ठता के साथ कहा जाता है। यही काम आपने देखा समर्पण के लिए। अगर हम देखते हैं तो सुदामा को देखते हैं। सुदामा कृष्ण उनके भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण के साथ दोस्ती भी थे, कृष्ण का दोस्ताना भी उनके साथ था। लेकिन वो सुदामा कितनी दरिद्रता अनुभव के अपने 6 से 8 बच्चों को लेकर अपनी पत्नी के साथ एक एक दाने को तरस गए। लेकिन वहां पौंडर कृष्ण नाम का दूसरा कृष्ण भी था, उसने कहा तू मेरा नाम ले ले, मैं तुझे धनवान बना दूंगा, तुझे राजा बना दूंगा, तुझे सैनिक बना दूंगा, तू मेरी बात सुन। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैं तेरी बात सुनने की बात नहीं करता, मैं उसी कृष्ण को मानता हूँ जो कृष्ण मेरे सखा है, जो कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं मैं उसी को मानता हूँ। और उतना रहने पर भी उतना कष्ट अनुभव करते हुए कृष्ण करते हुए भी कभी सुदामा कृष्ण के पास जाकर ये मांगने के लिए तू राजा है मुझे कुछ दे ये मांगने के लिए जाने की बात नहीं करते। ये बात पत्नी कहती थी कि जब वो पौंडर कृष्ण तुम्हें देने के लिए तैयार है उसको इसके पास नहीं लेते, बच्चे इतने दरिद्र होकर फटे कपड़े भूख से मर रहे हैं वहां नहीं जाते, और आपके कृष्ण कहते हैं और आपके कृष्ण को कभी जाकर मांगते भी नहीं, ऐसा कैसे जीवन चलेगा? कृष्ण को मांगो कुछ न कुछ देंगे। सुदामा कहते हैं वो मेरा सखा है, मुझे जानता है मैं कहाँ हूँ, मैं नहीं मांगता। आखिर इतने तंग हो गए कि पत्नी की बात सहन नहीं कर सके
और वो पत्नी के कहने पर मथुरा चले, द्वारका चले गए। और द्वारका चले जाकर उन्होंने कहा कि मैं फटे कपड़े थे, पाँव में छाले पड़ गए थे, और सुदामा उसके पास जा रहे हैं, कृष्ण के दरबार में जाने की प्रयत्न कर रहे थे तो वहाँ रोका गया। जब दरबारी से पता चला कि कृष्ण आए, सुदामा आए हैं, तो कृष्ण नंगे पाँव भागते हुए आए और देखा कि मेरा सखा आया हुआ है। और कृष्ण जब कृष्ण के पास वो भागते हुए आए, उन्होंने देखा कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने अपने सखा को गले लगाया और पास में लगे। क्यों यह हुआ? समर्पण के साथ हुआ। ये समर्पण के साथ जब गए तो कृष्ण ने देखा कि ये हाल क्या बना रखा है, कितने बच्चे हैं, कितना क्या सब इस बात का। कृष्ण तुम सब जानते हो, तुम मेरे सखा हो, तुम सब कुछ जानते हो। कृष्ण ने कहा, उतने गरीबी में भी कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो सुदामा को। अगर मैं तुम्हारे पास कहूँ कभी गलती से मेरे लिए क्या लाए हो, तो कहे गुरु जी हमारे पास क्या है, सब छोक छोड़ के आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन वो चावल बंधे हुए भी उसने था और छुपा रहा था कि तू इतना बड़ा महाराजा है, तू मेरे पास की ये छोटी सी छोटी चोरी क्या करे। नहीं बोले, तू जो छुपा रहा है वो मुझे दे दे। उसमें क्या था, चावल या पोहा था। उस पोहा को कृष्ण ने देखा, कृष्ण के आंखों में आंसू है, सुदामा के पैर धोए, साक्षात भगवान होकर भी सुदामा के पैर धोए और कहा कि वो तेरे पोहे दे दे। जैसा ही एक पोहा का निवारा उन्होंने डाला, सुदामा के घर सोने का घर हो गया, दरबार हो गया, उनके सारे उनके पत्नी के शरीर पर सारे आभरण आभूषण आ गए, वो देखते देखते हुए एक धनवान का घर बन गया। दूसरा पोहा जैसा कहा, सभी लोग स्वस्थ हो गए। जैसा ही तीसरा निवारा खा रहे थे, भारिया सत्यभामा ने कहा, क्या तुम हमें दर दर करेगा क्या, कृष्ण सुदामा को सब देकर। यह बात उन्होंने कही।